नमस्कार, मैं सोएब म्यानूर और आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। मुंबई के अंधेरी वेस्ट भवन कॉलेज के पास रिपब्लिकन सेना की तरफ से भारत का स्वतंत्रता दिवस 75वीं आजादी मनाई गई। इस अवसर पर मुंबई पुलिस के जांबाज सिपाहियों को सर्टिफिकेट से सम्मान किया गया। भारत देश की 75वीं आजादी स्वतंत्रता दिवस मुंबई में जगह जगह मनाया गया। मुंबई के अंधेरी वेस्ट भवन कॉलेज के पास रिपब्लिकन सेना द्वारा अनोखे अंदाज में 75वीं आजादी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुंबई पुलिस के जानबाज सिपाहियों को फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल, भारतीय पत्रकार संघ, सलाम मुंबई अखबार, जवाबदार नागरिक फाउंडेशन और दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड की तरफ से सम्मानित सर्टिफिकेट देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर बहुत से मान्यवर उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रिपब्लिकन सेना के सभी कार्यकर्ताओं ने जहमत उठाई और कार्यक्रम को सफल बनाया गया। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। पुलिस सिपाही चौदह अठारह रोहती होते मुंबई सेंट्रल रेलवे पुलिस थाने ड्यूटी दरम्यान मी मातुंगा स्टेशन ड्यूटीला असताना एका 50-55 वर्षाच्या एसएम गाडीखाली चालते ट्रेनमध्ये येत असताना मी ड्यूटीला जात असताना त्यावेळेस त्याला ट्रेनखाली जाताना वाचवलं। त्याबद्दल सत्कार केला। मी सगळ्यांचा खरंच मनापासून आभारी आहे। इथे बोलल्याबद्दल मी सर्वांचे मनापासून धन्यवाद। मैं इंडिपेंडेंस डे की शुभकामना देता हूं और यहां इस रूप में जो काकी वर्दी का सत्कार है, मंच पर बैठे हैं महानुभाव और आदरणीय सर जी, मैडम, आप सभी को मैं यहां हम सभी को बुलाया और उसके लायक समझा, इसलिए मैं सभी का आभारी हूं। लगभग कोरोना विषाणु के संसर्ग से बचने हेतु महामारी जो लोकल ट्रेन से यात्री बाहर गांव जाते थे उनको अवेयरनेस के लिए जो मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना और जो है क्लीननेस रखना और किस तरह से अपने जान के साथ अपने सामानों का सुरक्षा रखना, इस तरह से जो है हम जो है निरंतर जो है सीएसएमटी स्टेशन पर ये कार्य करते रहे और ये पुलिस की वर्दी पहन के एक जो है समाज की सेवा का एक छोटा सा काम हमारे हाथ में हाथों से हुआ है, कर्म से हुआ है। तो इस तरह से जो है यही एक
मैसेज देने तो बड़ी बात है, ये बोलते हैं कि कुछ जो अच्छे कर्म करोगे तो कहीं ना कहीं जो भगवान उसका फल देता है। तो यही जो है छोटा सा कार्य किया और इस रूप में जो है आप सभी की ओर से जो इस तरह का एक सम्मान हो रहा है, मैं फिर एक बार सभी से जो है अभी का आभारी हूँ। और इसी के साथ में काम के बदल जो बोला है तो कभी है आपके बड़े हो भारतीय पत्रकार संघाचा तर्फे प्रशिक्षित पत्र सय्यद बाबू शेख ला देण्यात येणार आहे। सय्यद बाबू शेख हे पुरुष चे ओमदार साहेब बक्कल नंबर आहे 377-22 यांनी ते आता तुम्हाला सगळं सांगतील कर्तव्य देत आहे ते सय्यद बाबू शेख मेरे बारे में कुछ मैं 24 मई को मैं ड्यूटी देता हूँ। ड्यूटी पे रेलवे में मैं पेट्रोलिंग का ड्यूटी करता हूँ लेडीज फर्स्ट क्लास के अंदर। रात के 12:30 बजे मैं ट्रेन लेके बिहार से आंधी आ रहा था स्लो ट्रेन लेके। उस वक्त मेरे डबे के आगे डबे में 5 बच्चे छोटे छोटे और उनकी माँ मदर ऐसा वो लोग क्रॉस कर रहे थे और उनको उतरने का था मेरा स्टेशन पे। तो मैं दरवाजे पे खड़ा था रात के 12:30 बजे। तो स्टेशन आने से पहला जो है ये लोग सब खड़े थे दरवाजे के ऊपर उतरने के लिए। जैसा ट्रेन प्लेटफॉर्म पे एंट्री करती है उसी टाइम पे 5 बच्चे में से एक छोटा बच्चा जो है पैर से होकर नीचे गिर जाता है तुरंत 1 सेकंड के अंदर। और जैसा गिरता है वैसा मैं यहां से उठा लेता हूँ बच्चों एकदम फास्ट का भाई ये गिरा और ये उठा लिया ऐसा। तो आज तक जो 23 फ्रेंड अगर मेरा वीडियो देखा है पूरे महाराष्ट्र पूरे इंडिया मेरा वीडियो आया हुआ है। और हमारे जो रेलवे के पुलिस आयुक्त कैसे खरीद साहब प्रात्या सरोदी मैडम एडीसी मैडम उन्होंने भी रिवार्ड दिया है। और इस तरीके से जो घटना करती है वो टाइम देखने आता है होता है। इस तरीके से मैं भगवान का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जो कामयाबी में मैं सफल हो गया और बच्ची की जान बच गई और मेरी भी जान बच गई। इसलिए आज जो है मुझे अवार्ड दिया जा रहा है आप सभी के आशीर्वाद से। और मैं इसी तरह से मैं भविष्य में ऐसे अच्छे से अच्छे काम मेरा होते रहे वही प्रार्थना करूँगा भगवान से और भी शुक्र खत्म करूंगा। थैंक यू। पे देखते वक्त हमारे रूम के खड़े हो गए वो देख नहीं सके हम इतना बड़ा काम किया। और कुरान शरीफ में एक फरमान है कि अगर कोई इंसान को मारता मासूम इंसान को तो इंसानियत की कत्ल है और जो जिसकी जान बचाता है
तो आपने इंसानियत बचा के रखी है और आपको जन्नत में ही जाना है। तो ऐसे दूसरे भी यहाँ फरिश्ते थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इंसानियत बचा के रखी है। तो ये जब यहाँ छोटा सा कार्यक्रम था, छोटा सा प्रोग्राम है, ये देख के मुझे खुशी हो गई और ऐसे ही काम इसके बाद भी होना चाहिए। रिपब्लिकन सेना के तरफ से ये कार्यक्रम जो हुआ है बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। अभी हम लोग तो कैसे, हम एडवोकेट है, एडवोकेट बोले तो बातें करते रहते, हमारे हमको आदत ही है, लेकिन ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों को फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके बाद हमारे जो लोग हैं आपने सुने, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। राज्यकारी अपन 15 ऑगस्ट निमित्त उपस्थित आहोत, त्या सर्व देशवासियांना 15 ऑगस्टच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि आपण हा जो कार्यक्रम ठेवलेला आहे, जी रिपब्लिकन सेनेने जो आजचा कार्यक्रम देश स्वतंत्र झाल्याच्या नंतर आखला, तो खरोखरच एक अभिमानास्पद आहे। या ठिकाणी रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनाने आनंदराव आंबेडकर यांना जेव्हा आमचे भगवान गायकवाड आणि सुप्रिया शेख यांनी जेव्हा कल्पना जी सांगितली की असं असं आम्ही जे बॉर्डरवर रक्षण करतात, त्याच पद्धतीने आपण महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये गल्ली गल्लीमध्ये रेल्वेमध्ये कुठल्याही क्षेत्रामध्ये जे संरक्षण करतो त्यांचाही सत्कार या ठिकाणी झाला पाहिजे। आणि रिपब्लिकन सेनेनेच नव्हे तर मोठ्या मोठ्या पक्षाने यांचा दखल घेऊन यांचे सत्कार केले पाहिजेत, जेणेकरून यांचा जो आदर्श आहे ते इतरांना पण घेता येईल आणि प्रत्येकाचा जीव कसा वाचवायचा ते त्यांच्या तोंडून आपल्याला ऐकायला भेटेल, अनुभव येईल आणि कशी चांगली लोक आपल्या मुंबईमध्ये राहतात, महाराष्ट्रामध्ये राहतात, देशामध्ये राहतात हे तुम्हाला आम्हाला दर्शन अशा कार्यक्रमामधून होत आहे। त्या ठिकाणी रिपब्लिकन सेनेची जेव्हा स्थापना झाली, खरोखरच आम्हाला अशोक कुसळकर सारखे आणि त्यांचे सहकारी असतील, बनोज असेल, आनंद असेल, सर्व त्यांची मोठी टीम आमचे आता आमचे वाराध्यक्ष झालेले आहेत, एकदम फुल दशी अजून कामं शोधून काढतात। कुसळकर साहेबांच्या आणि भगवान गायकवाड सुप्रिया मॅडम यांच्या निदर्शनाने अशी कामं ते बाहेर आणतात जे तुमच्या आमच्या सहकार्याने ती सॉल्व्ह केली जातात। आता त्यांनी एक गार्डनचा मोठा उपक्रम आणलेला आहे की त्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव लागलं पाहिजे म्हणून ते मानतायत। तर माझ्या मित्रांनो आणि भगिनींनो, या ठिकाणी आपल्या भावी नगरसेवक आहेत सुप्रिया शेख यांना तुम्ही असा जर आशीर्वाद देत राहिलात तर खरोखरच रिपब्लिकन सेना तुमच्या समस्या सोडवल्याशिवाय राहणार नाही, कारण या ठिकाणी आमची रिपब्लिकन सेनेची सर्व टीम स्ट्रॉंग आहे। भगवान गायकवाड तर कुठेही असू द्या, काहीही असू द्या, एका फोनवर ते धावत असतात, म्हणून तुम्ही यांना साथ द्याल, त्यांच्या अंधेरीमध्ये रिपब्लिकन सेना कशी वाढल असे तुम्ही जर त्यांच्या मागे ठामपणे उभा राहिलात तर खरोखरच एक ना एक दिवस या ठिकाणी रिपब्लिकन सेनेच्या हातामध्ये सत्ता येईल आणि तुमच्या समस्या सोडवल्या जातील, म्हणून मी जास्त काय बोलत नाही या ठिकाणी सांगतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हिंद। Thank you.
अस्सलामुअलैकुम सभी को जय भीम और 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की सबको हार्दिक शुभेच्छा और सभी लोग अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हमारे लिए और हमारे देश के लिए जवान इनको हम सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी जान से खेल कर बच्चों की इंसानियत बचाई है इसलिए इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे सभी आने वाले मेहमान इनका दिल से धन्यवाद करते हैं और हमारे रिपब्लिकन सेना की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत दिल से मेहनत की है इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए इसलिए सभी का शुक्रिया अदा करते हैं धन्यवाद मुंबई से कैमरा पर्सन और संवाददाता सुहेब म्यानूर की रिपोर्ट हमारे और भी समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सच निष्पक्ष निर्भीक खबरों के साथ फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज़।